हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अजीत अगरिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक एंड रिव्यूज़ में। तो दोस्तों, मैंने पिछला वाला जो वीडियो बनाया था, जो मैंने फ्राइडे पे लॉन्च किया था, फ्राइडे पे अपलोड किया था, उस वीडियो में मैंने साफ कह दिया था कि मार्केट इस लेवल पर जो है काफ़ी अच्छा खासा रेसिस्टेंट जो है यहाँ पर फेस कर रही है। इस लेवल पर काफ़ी अच्छा खासा मार्केट जो है यहाँ पर मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा रेसिस्टेंट जो है फेस कर रही है, और यहाँ से मार्केट हो सकता है कि यहाँ पे से ऊपर जाए। और मेरा अनुमान एकदम सही था, मार्केट यहाँ से देखिए काफ़ी इस लेवल पे काफ़ी अच्छा खासा, एक तो ये जो है ना, ये पिवट पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है मार्केट को इस जगह पर। और इस जगह पर पहले भी दो बार जब मार्केट आया है, यहाँ पर आप देख सकते हो, एक ये वाला कैंडल और एक ये वाला कैंडल, ये दो कैंडल पे जब भी, ये दो कैंडल क्या हुआ, जब भी मार्केट यहाँ पे आया है, यहाँ से एक अच्छा खासा जो है मार्केट ने बाउंस बैक करके जो है यहाँ पे गया है। तो मुझे लग रहा था कि यहाँ से फिर से जो है मार्केट अच्छा खासा बाउंस बैक करेगा, और यहाँ से हो सकता है कि वापस ऊपर जाए, और मेरा जो अनुमान था वो एकदम सही था। यहाँ से आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा खासा मार्केट ने जो है यहाँ से काफ़ी अच्छा खासा एक सीधा ड्रॉ करके जो है ऊपर मार्केट जो है यहाँ से चला गया है। ये तो रहा वन डे का, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब मैं आगे क्या होने वाला वो भी मैं आपको हो सकता है बता दूँ, यहाँ पे मैं अनुमान लगाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर मैं वीकली चार्ट पे आ जाता हूँ, वीकली चार्ट पे, ठीक है, वीकली चार्ट पे मुझे यहाँ पर और अच्छी तरीके से जो है आपको समझाने में आसानी होगा। और मैं इसे जो है यहाँ पर कर देता हूँ डेस्कटॉप मोड पे, ताकि आपको भी क्लियरली जो है समझ में आ सके, क्योंकि मोबाइल मोड में जो है बराबर यहाँ पे समझाने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो ऐसे मार्केट जो होता है ना, वो बहुत चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है भाई, बहुत चीज़ों के ऊपर। मैं सीख रहा हूँ, मुझे पता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पर एक, यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर कैंडल बनाया, तीन कैंडल यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बुलिश तीन कैंडल, तीन ही कैंडल में यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पे ये जो सपोर्ट दिख रहा है आपको, ये जो आपको सपोर्ट जोन दिख रहा है, ये वाला लेवल, ये कौन सा लेवल है, ये लेवल है यहाँ पे, ये लेवल है 16,580 के आसपास ये लेवल है। और मार्केट ने जो है इसे ब्रेक तो कर दिया है, लेकिन यहाँ पर मार्केट एक रिवर्सल यहाँ पर देख सकते हैं, एक हल्का सा यहाँ पर रिवर्सल जो है मार्केट ने, एक छोटा सा रिवर्सल जो है यहाँ पे दिया है। तो इस जगह पे मैं गारंटी नहीं ले सकता कि मार्केट हो सकता है यहाँ से आपको एक नीचे साइड भी, यहाँ पे मार्केट आपको यहाँ पे एक छोटा सा हल्का सा पॉइंट यहाँ पे आपको नीचे भी देखने को मिल जाए, क्योंकि ये जो इसका जो ये लास्ट, ये सिरा जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको ये कैंडल जो दिख रहा है, ये कैंडल का ये देखिए, ये रहा ये वाला लेवल। इस लेवल को जो है मार्केट ने अभी ऊपर तक जो है ओपन नहीं किया। मार्केट अगर इसके ऊपर अगर ओपन होके ऊपर ही जाता है, तो समझना कि मार्केट यहाँ पे से बुलिश हो सकता है। लेकिन आप आज का मार्केट भी देख लो, सुबह जो है मार्केट काफ़ी अच्छा खासा बुलिश था, लेकिन दोपहर के बाद जो है ये साइडवेज हो गया, पूरा का पूरा दिन भर जो है साइडवेज रहा था, और इस वजह से जो है कोई भी ट्रेडिंग वगैरह जो है आज दिन भर में नहीं हो पाया, ठीक है। तो इसे मैं वापस छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे वापस जो है मैं इसे छोटा कर देता हूँ, तो बराबर समझने में आएगा, ठीक है। ये वीकली चार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सपोर्ट जोन को भी जो है मार्केट ने तोड़ ही दिया है, लगभग क्या, पूरा तोड़ ही चुका है यहाँ पे से मार्केट ने, अब तोड़ दिया है, अब यहाँ पर से कुछ भी नहीं हो सकता। मार्केट अब यहाँ से ऊपर जा सकता है या तो फिर गिरेगा, तो वापस जो है ये वापस 16,000 के आसपास जो है मार्केट वापस आ जाएगा, अगर गिरना चालू होता है तो। अब यहाँ पे मैं 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे लगाता हूँ, 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ, आ जा भाई कहाँ जा रहा है, हाँ 5 मिनट का चार्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मार्केट ने जो है यहाँ पे आज इसी रेंज में जो है मार्केट दिन भर जो है फंसा रहा, इसी रेंज में मार्केट ने इसे ब्रेक तो किया, नीचे आता था वापस जो है थोड़ा सा ऊपर जाता था, मार्केट में नीचे आता था ऊपर जाता था। और कल मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं भी जो है कंफ्यूज था कि आखिर मार्केट किस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। मैं आपको गलत तो डिटेल्स वगैरह नहीं दे सकता ना, ऐसे किसी का भी पैसा होता है, अगर लूज़ हो जाए तो भाई किसी का भी लॉस हो सकता है। तो इसलिए जो है मार्केट, मैंने जब मार्केट के बारे में, यहाँ पर ना ही नेगेटिव कुछ दिख रहा था ना ही कुछ पॉजिटिव दिख रहा था, इसके लिए जो है मैंने यहाँ पर
अधिकार का अगर मैं यहाँ पे आपको अगर कोई भी ऐसा अंदाजा अगर बोल दूँ मार्केट इधर उधर जाएगा तो फिर उसमें पैसा फंसने का डर होता है, ठीक है। अब कल की मैं अगर मैं बात करूँ तो कल भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे बुलिश रहे, क्योंकि जो पिवट पॉइंट था जो 16,670-80 के आसपास कुछ पिवट पॉइंट था, उससे जो है मार्केट ने ब्रेक कर ही दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा, मार्केट ने इसे जो है ब्रेक कर दिया है। अब यहाँ पे अब देखने वाली बात है कि यहाँ से मार्केट अब गैप अप ओपन होके ऊपर जाता है। एक बात याद रखना, मार्केट ने अगर ये वाला लेवल अगर क्रॉस कर लिया ना, ये वाला लेवल क्रॉस कर लिया 16,600-700 के आसपास का लेवल अगर क्रॉस कर लिया मार्केट ने, तो समझ लेना कि मार्केट यहाँ से बुलिश है। नहीं तो क्या होगा, मार्केट यहाँ से आपको एक रिटेस्ट करके देगा, लगभग जो ही यहाँ तक जाएगा 16,700 तक मार्केट जाएगा, और उसके बाद हो सकता है कि मार्केट यहाँ से गिरे। हाँ, अगर गैप अप ओपन होता है और डायरेक्ट ही मार्केट अगर 16,700 को अगर क्रॉस करता है, तो हो सकता है कि मार्केट ये 16,742 के आसपास इसका रेजिस्टेंट है, तो यहाँ तक मार्केट जा सकता है, ठीक है। अगर इसको भी तोड़ देता तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीमली बुलिश हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। आज मैंने ऐसे कोई भी जो है यहाँ पे आज मतलब कि ट्रेडिंग वगैरह नहीं किया है। मैं ट्रेड करना चाहता था, लेकिन आज जो है मैंने सोचा था कि एक्चुअली मैं लेट हो चुका था, तो मार्केट तब तक जो है यहाँ पे लगभग जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मार्केट 12 बजे तक जो है यहाँ पे काफ़ी लेट हो चुका था मैं, तो 12 बजे के बाद यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया। तो मुझे लगा कि अब यहाँ पे बेकार का टाइम वेस्ट करना तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम तो ठहरे बायर को जो है यहाँ पे साइडवेज में कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है सिवाय लूज़ के, ठीक है। तो फिलहाल देखते हैं अब आगे क्या होने वाला है, जो भी होगा मैं आपको बताते रहूँगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे ज़रूर कमेंट करके बताना, और वीडियो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, गुड लक, बाय बाय।